हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी फिटनेस चैनल में। और आज मैं बताने वाला हूँ पुलअप बार का इस्तेमाल करके मैं अपनी बैक कैसे ट्रेन करता हूँ। और आज हम बात करेंगे सिर्फ पुलअप बार की, पुलअप बार में ग्रिप ने बैक को कैसे ट्रेन करना है सिर्फ अपने ग्रिप को चेंज करके। तो इसमें हम पहले सबसे पहले ट्रेन करेंगे नैरो ग्रिप के साथ, फिर शोल्डर विद द पार्ट जाएंगे एंड इसके बाद हम वाइड ग्रिप करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफरेंस आता है। और इसमें मैं बताऊंगा अलग अलग ग्रिप से क्या क्या एक्स्ट्रा मसल टारगेट होती हैं। तो इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 5 से 10 पुलअप आप पहले से ही करना जानते हैं और अभी दिखाते हैं कैसे करना है इसको और कैसे मसल टारगेट होती है। तो हम आ गए हैं पुलअप बार के पास और हम करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले नैरो ग्रिप के साथ कैसे पुलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पकड़ना है पुलअप बार को और इसके बाद अपने आप को ऊपर करना है। आपकी चिन बार के ऊपर जानी चाहिए और आपकी एल्बोस थोड़ी सी बाहर की तरफ रहेंगी और अपने बैक को स्क्वीज करने की कोशिश करो पूरा। और जैसे नीचे आते हो पूरा पूरा नीचे आना है। काफ़ी लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं करना, इससे आपके फोरआर्म्स ज़्यादा पंप हो जाएंगे और आपका बैक ट्रेन नहीं होगा, फोरआर्म पे इसका ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो आपको ऐसे नहीं करना इसको। तो ये पुलअप करने के दौरान काफ़ी लोगों को ग्रिप में दिक्कत होती है कि ऐसे पकड़नी है, थम नीचे होना चाहिए या फिर थम इसको ऐसे हुक की तरह इस्तेमाल करना है, थम बार के ऊपर होना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप ग्रिप चूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो एक बारी मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे करते हैं नैरो ग्रिप। तो मैंने दिखाया कि ये नैरो का मैक्सिमम रेंज था। आप इसे चाहे तो आप इसे और नैरो कर सकते हैं, वो मैं करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो जितना ज़्यादा आप नैरो करेंगे उतना ज़्यादा आपके ट्रैप्स में कंट्रैक्शन आता है। तो ये नैरो का लोअर लिमिट था। आप इन दोनों रेंज के बीच में आप नैरो काउंट करते हैं इसको। अब नेक्स्ट करने वाले हैं हम शोल्डर विद द पार्ट पुलअप्स और देखेंगे इससे क्या क्या बैक में कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपको बार को पकड़ना है शोल्डर विद द पार्ट और आप बस पुल करिए अपने आपको ऊपर। और जितनी भी हम पुलअप करेंगे उसमें उन सभी पुलअप में सब आपकी चिन हमेशा ऊपर होनी चाहिए पुलअप बार के, और नीचे आके आपको पूरा सा हैंग करना है, पूरा हैंग करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। इससे आप पूरा जो नीचे आते तो हमारे बैक के लैट्स, जो हमारे लैट्स होते हैं ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रक्शन आता है जब हम नीचे पूरा हैंग करते हैं। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ करके कैसे करना है। और आपकी ग्रिप तो ऐसी भी ग्रिप कर सकते हैं कि शोल्डर का पार्ट करके। तो ऐसे करने आपको शोल्डर विद द पार्ट पुलअप्स, इससे आपके बाइसेप में भी अच्छा खासा पंप आएगा। तो अब हम करने वाले हैं पुलअप का लास्ट पार्ट जो कि है पुलअप को वाइड ग्रिप के साथ कैसे करना है। तो इसमें ऊपर जाना है और अपने आप को होल्ड करना है, पूरा बैक को स्क्वीज करने की कोशिश करनी। जब नीचे आएंगे पूरा हैंग करेंगे, हमारे यहाँ पे काफ़ी लोअर लैट्स में काफ़ी कंट्रक्शन आएगा, वो अच्छा होगा।
जैसे हम नीचे आएंगे, जब हम पूरा नीचे आते हैं तो हमारे ये वाला जो पार्ट होता है चेस्ट का, ये भी खींचता है, जो हमारी अपर चेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है काफ़ी। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो इसको पूरा होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद रिलीज करेंगे नीचे तक। तो बेसिकली यही है वाइड ग्रिप पुलअप, और इस ट्राई करिए, देखिए क्या बेनिफिट होता है। अगर आप इसमें से कुछ ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं, अगर आपसे एक भी पुलअप नहीं होता तो हम उसका भी वीडियो बना सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रिप, बेसिक ग्रिप वीडियो। इसमें हमने बताया अपने हाथों की रेंज, अपने हाथों की ग्रिप रेंज को चेंज करके आप कैसे अपना बैक वर्कआउट कर सकते हैं सिर्फ पुलअप बार का इस्तेमाल करके। तो अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं बैक एंड बाइसेप के वर्कआउट पे, यूजिंग पुलअप बार और कुछ मिनिमल एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल बैक पूरा अच्छी तरीके से ट्रेन होएगा। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।